अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में आयोजित कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की छात्राओं ने और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए छात्राओं को स्वावलंबी और जागरूक बनने की प्रेरणा दिया। इस अवसर पर छात्राओं ने भी विभिन्न तरह की कलाकृतियां बनाकर महिला दिवस को मनाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, इंटरनेशनल वुमेंस डे है और हमारे कई विभागों में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कार्यक्रम था, एक दूसरे कार्यक्रम में जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि केवल हमें कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम लोग ने कई अनाउंसमेंट किए हैं और एक सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं और सेंटर पे फिर हम लोग, आप देखिएगा नेक्स्ट जब इंटरनेशनल वुमेंस डे आएगा तो ये सेंटर एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ये आ चुका होगा और बहुत सारे उसमें स्किलिंग कोर्सेज, न्यू लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एंड उसके बाद उसमें हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रेस सेंटर, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, ये सारी चीज़ें उसमें आने जा रही है। और इसका प्रेजेंटेशन कल शायद महिला दिवस के कारण ही कल राजभवन में भी रखा गया है। सारे वाइस चांसलर वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं।